प्रयोजन यहाँ पर देंगे क्योंकि इसका एकमात्र उद्देश्य है गांधी कथा वाचन का जियो और जीने दो की मैम। ये जो आप प्रशिक्षण दे रहे हैं तो इस संदर्भ बताएं कहाँ कहाँ से ये लोग जो है जितने भी टीचर हैं वो कहाँ कौन कौन से जगह से हैं? ये जितने भी टीचर यहाँ हमारे बीच में अभी 70 प्रशिक्षक आसपास लोग बैठे हुए हैं, सभी सरकारी विद्यालयों से दो दो टीचर आए हैं और सभी दरभंगा नगर के हैं और ये सभी शिक्षक यहाँ पर प्रशिक्षण ले रहे हैं गांधी कथा वाचन, क्योंकि आने वाला जो 2 अक्टूबर है ये 150वीं जयंती का समय है महात्मा गांधी जी का और गांधी विचारधारा आगे बढ़े जियो और जीने दो का जो कॉन्सेप्ट है उनका वो अभी और आगे बढ़े इसको लेकर हम सभी तैयार। प्रशिक्षण जो हो रहा है तो इसका मतलब यही है कि बच्चों के गांधी जी के उद्देश्यों का उनके विचारों का बच्चों तक हम ले जाए, बच्चों में उनके शिक्षा का उनके रास्ते पर चलने के लिए बच्चों को प्रेरित करें और इसके लिए हम पूरा प्रयास करेंगे जितना सत्य लोग चलाएंगे। इसलिए गांधी जी के विचारधारा को लेके अपने बच्चों के बीच में उसको प्रचारित प्रसारित करना है और ये शिक्षा देना है कि गांधी जी के बताए रास्तों पे चलना हमारे लिए के लिए हितकर होगा। नैतिक पतन हो गया है, उस नैतिक पतन को जो है पुनः समाज में हमको लाना है, उसी बात जो है समाज में जागरूकता फैलाना है और जागरूकता से ही जो है इस चीज़ को जो है समाज से हम हटा सकते हैं। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि नैतिक पतन जो हो गया उसको पुनः जो है उसको पटरी पर समाज में लाना है। डर भय के बारे में बताया गया है कि गांधी जी का क्या कथा में क्या वाचन है, क्रोध नहीं करना चाहिए, जल का संकट कर देना चाहिए, प्रेम भाव से रखना चाहिए, समय का कदर करना चाहिए। गांधी जी की जो विचारे हैं 6 दोष रिपु, उसमें तो लोभ मोह क्रोध ये तो आता ही है। दूसरी बात जो है षड दोषा पुरुषेन ही हतव्या भूतिम इच्छिता निद्रा तंद्रा भय क्रोध आलस्यं दीर्घसूत्रता, यानी कहने की बात है कि समस्या आए बगैर समस्या से भाग जाना, किसी भी छोटी सी बात को बिना परीक्षण किए बढ़ा चढ़ा के कहना ताकि और अन्य नई समस्याओं को